गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं अभी आदाबारी में उद्यांचल लाइब्रेरी अपार्टमेंट में, जहाँ की न्यूली बोसिया का ग्राउंड बना है। यहाँ पे आप पीछे देखो, बोसिया का ग्राउंड है, मैं ठीक से दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे आज ट्रायल मैच है नेशनल के लिए आसाम के तरफ से। तो यहाँ पे कुछ प्लेयर भी आए हैं और भी आएंगे, मैं यहाँ पे खेलने नहीं बस देखने आया हूँ। तो यहाँ पे है एक मेरा फ्रेंड विकास, तो ये आए हैं यहाँ का फर्स्ट प्लेयर होंगे शायद, और भी हैं प्लेयर्स। ये हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से प्लेयर हुआ, और ये है हनीफ अली। हाय। लाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा, मैं बाद में दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ का मैं अभी आपको दिखाता हूँ ग्राउंड कैसा है। तो ये है इसका ग्राउंड, यहाँ पे रबर मैट साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है अच्छे से, बहुत ही सुंदर से बनाया गया है ये ग्राउंड को, आप देख सकते हो। और ये फुट फ्लो पे है आदाबारी चार अली के आसपास। तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, आप अगर खेलना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो असम गुवाहाटी के आदाबारी फोर्थ फ्लोर उद्यांचल अपार्टमेंट में। तो ये हमारा बोसिया का बॉल है जो कि इटली से आया हुआ है, और ये सब कवर रहता है प्लास्टिक के बॉल्स के अंदर, बहुत ही सॉफ्ट बॉल होता है। आपको एक बॉल भी दिखाता हूँ, ये देखिए हार्ड है अच्छा खासा, अंदर से थोड़ा सा वेट है। हेलो हेलो। हाँ, टाइट पैकिंग के साथ होता है ताकि ये बॉल को कुछ गुवाहाटी ख़राब ना हो बॉल का। हाँ, ये सब बॉल निकल चुका है अभी। यहाँ पे रेड है 5 6 1 2 3 3 3 6, और ब्लू भी 6 है, वाइट एक बॉल है। ये हमारे कोच हैं मोहन घोष। तो यहाँ पे बस ट्रायल के लिए दिखाया सिखा रहे हैं उनको कैसा खेलना है, कितने उन्होंने का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार खेलने आए हैं और क्या खेलना है उसको, क्या नियम है वो सब दिखा रहे हैं। और ये क्वाड्रिक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन है, नेक पे इंजरी है इनका, C4 और 5। आपका भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप खेल सकते हैं बोसिया गेम। और सीपी के लिए भी एक गेम होता है जिसका फिंगर मूवमेंट्स हैंड मूवमेंट्स बहुत ही कम है, या फिंगर मूवमेंट्स हैंड मूवमेंट्स नहीं के बराबर है, सिर्फ गर्दन ही हिला पाते हैं, नेक हिला पाते हैं, उनके लिए भी ये गेम बहुत अच्छा है। तो अभी ये बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है, जो ग्राउंड है इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर। अगर हो आप तो मैं रिकमेंड करूँगा आप आके यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे उनको बॉल पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि फिंगर मोमेंट कम है और प्रैक्टिस नहीं है, पहली बार खेल रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट यहाँ आप देख सकते हो उनको बॉल पकड़ने में कैसी दिक्कत हो रही है। तो आप अगर सोचते हो मेरा मूवमेंट्स नहीं है फिंगर का, मैं कैसे खेल पाऊँगा, तो आप इनको एक बार देखो कि वो कैसे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं पा रहा है तो नहीं खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और एक दो बार के कोशिश के बाद वो अच्छे से खेल पाएंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता, बस पहली बार है तो थोड़ा दिक्कत सबको होता है। आए ट्राई करें तो आपको भी समझ में आएगा क्या गेम है। और ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, क्वाड्रिक्स के लिए गेम है, अब आके खेल सकते हैं। आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पहले बॉल करो, पहले पोजीशन। यहाँ पे जोखा जा रहा है कितना पॉइंट किसका हुआ है, किसको पॉइंट मिला है। 1 पॉइंट रेड बॉल का मिल चुका है, और ये 14 पॉइंट सेकेंड पॉइंट है ब्लू बॉल का। ओनली रेड है 1 पॉइंट का बॉल, नेक्स्ट पॉइंट टू ब्रेक पोजीशन। तो गेमर एक और रूल है जे सपोज गेमर हम कंटिन्यू कर एंड सॉल्व, हां तो 21 लेके पॉइंट पर एंड पर इंडियन को तो बा फिर ये सेट से सब तो हां समान है। तो सपोज रेड है लीड कोई ऐसा पॉइंट, ओके और यहाँ
पे कुछ बच्चे भी गेम खेल रहे हैं जो कि सीपी हैं और बहुत ही आनंद लेते हुए खेल रहे हैं। ये सीनियर जूनियर और सब जूनियर के कैटेगरीज में ये गेम आता है, तो आप लोग भी अगर चाहे तो खेल सकते हो। इतनी खूबसूरत ब्रह्मपुत्र का नदी का व्यू, पास ही में नदी है लेकिन ये व्यू मैंने देखा नहीं था अभी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और साइड से ये रास्ता गया है, बहुत ही खूबसूरत, बयां नहीं कर सकता। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था पर जब देखा तो सोचा एक क्लिप तो बनता है। देखिए, ज़रूर आइए देखने ये व्यूज़ को।